कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ हो इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, और हमारे बीच आज एक ऐसे ही पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों के दिलों में राज करती है, हमारे बीच जुड़ने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस मिस गीता त्यागी जी की। गीता त्यागी जी की बात करें तो इंडियन फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जिन्होंने पुनर्विवाह, चांद छुपा बादल में, कुंती, एक बूंद इश्क इत्यादि कई हिट सीरियल में काम किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मैम, और आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छी फील कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो आपकी पूरी दुनिया फैन है, पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन मैं भी आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच मैम, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। हाँ, मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते ही हैं। तो मेरी जिंदगी में भी एक जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि चूंकि मेरा परिवार जो है पूरा एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई उस तरह से जॉब करो या कॉम्पिटिशन्स, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तो कोई भी एक भी आर्टिस्ट हमारे घर में आर्ट को अप्रिशिएट जरूर किया जाता था, पर उस तरह से था नहीं। तो जब मैं देहरादून में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद फिर मैं दिल्ली JNU आई, तो मेरे अंदर ये एक्टिंग का एक वो था, जज्बा था, कीड़ा था कि मुझे करना है, लेकिन कुछ रास्ता मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और यूं ही अगर मैं बोलती कि घर पे कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो शायद वो मुझे मेरे लिए राजी नहीं होते कि ऑल ऑफ अ सडन आपको एक्टर क्यों बनना है। तो एक ठीक तरीके से जाना जरूरी था। तो JNU में रहते रहते मैं वहीं के प्लेस देखती थी, मुझे पता चला, मेरे ही भाई ने बल्कि मुझे बताया था, मेरे मछले भाई ने, कि एक NSD एक संस्था है जहाँ बहुत अच्छे प्लेस होते हैं, वो खुद भी देखने गए उन प्लेस को। तो उन्होंने बोला आजकल वहाँ पे एक फॉर्म्स ऐसे निकले हैं NSD के, तो उन्होंने जैसे ऐसे बताया उन्होंने, तो मुझे ये लगा कि यार ये जगह तो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ विजिट की और मैंने देखा, तो वहाँ प्लेज होते थे, तो मैं लगातार प्ले देखने लगी। तो मुझे जब स्टेज पे जब मैंने पहली बार शो देखा, तो मुझे लगा ये क्या दुनिया है, मैजिकल है ये, तो मतलब ये यही मुझे होना है, उस वक्त मुझे ऐसी फीलिंग हुई। लेकिन कैसे NSD का नाम इतना बड़ा, उसमें जाऊँ कैसे, और उसका मैं सब बारे उसमें, मतलब आपको अगर एड्रेस देनी है तो उसके लिए आपको इतना प्लेज किया होना चाहिए और इतना ज्ञान होना चाहिए थिएटर का, वो सब तो मेरे पास तो वो सब कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने
थोड़ी सी चालाकी की और फॉर्म में ले आई और मैंने सब फॉर्म फिलअप कर दिया और दूसरे से झूठ झूठ लिख के सब फिल करके उसको भर के अपने कंपटीशन तक मतलब एंट्रेंस के लिए वो फॉर्म मैंने भेज दिया और इत्तेफाक से मुझे बुलावा भी आ गया। तो मैं जब गई तो 2-3 एग्जाम्स होते हैं, रिटर्न होता था तब और एक इंटरव्यू होता था, उसके बाद 5 दिन की वर्कशॉप होती थी। तो मैंने पहला भी क्लियर कर लिया, दूसरा भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने ये जरूर भांप लिया कि भाई ये इतने सारे प्लेस किए हैं उतनी तो ये लग नहीं रही है कि इतने बड़े बड़े प्लेस किए होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सच में जी किए हैं, तो मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं किया है लेकिन मुझे यहाँ आना है। तो वहीं पे इंटरव्यू में ही उन लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि ठीक है इससे पहले आप थोड़ा कुछ काम करके आइए और अगले साल आप फिर से फॉर्म भरिए। तो उनकी बात मैंने मानी और फिर वहीं पे मैंने अपना एक पार्ट टाइम जो थिएटर होता था उसमें मैंने एडमिशन लिया और मतलब मैं अपनी JEE की पढ़ाई करती थी शाम तक और शाम को मैं मंडी हाउस जाती थी, वहां वो क्लास करती थी और रात में मैं वापस आती थी। ये सिलसिला करीब 9-10 महीने तक चला और मैंने जितना मुझसे पढ़ाई हो सकी थिएटर की, जो मैं कर सकती थी वो मैंने सब किया, लोगों से बातचीत या प्लेस करना पढ़ना। और फिर मैं पूरी तैयारी से अगले साल मैंने एग्जाम दिया और फिर मेरा एडमिशन हुआ। तो ये एक मेरे लिए बहुत ऐसी चीज थी कि जो मैंने मतलब मेरे घर से नहीं जी आई, ये मैंने हासिल किया, कोशिश की तो मुझे ये मिली और ये एक चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वाह ग्रेट मैम। और हमारे साथ प्रतिमा करण मैम जुड़ी है। सबसे पहले प्रणाम मैम एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है और आप तो जानते ही होंगे मैम को। थैंक जी। यू सो मच जी। और मैम मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपकी जो मेन इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमारी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जिनसे इंस्पायर होके हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपकी भी ऐसी कोई इंस्पिरेशन रही होगी अगर एक्टिंग की मैं बात करूं। जी हाँ बिल्कुल। जब हम लोग जिस एज पे थे, जब हम यंग थे, तो उस दौरान मैं बहुत सारी मतलब कमर्शियल फिल्में उतनी नहीं देखती थी। आर्ट फिल्म्स मुझे देखना बहुत पसंद था। मतलब मैं लाइव शोज बहुत देखती थी और मतलब मुझे दीप्ति नवल, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह जी, पंकज कपूर जी, इन सब का काम मैं बहुत बारीकी से देखा करती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे इनके जैसा, सुप्रिया पाठक जी भी मतलब, और बहुत सारे नाम जो मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ, तो उन लोगों जैसा मुझे बनना था। मुझे उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि इस तरह का काम मुझे करना है। तो ये लोग मेरे इंस्पिरेशन होते थे। ग्रेट मैम। और आप अभी स्क्रीन पे एक कमेंट है प्रतिमा मैम का आपके लिए, तो आप देख सकती हो। यस तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है गीता, मुझे यस शायद पहचाना शायद पहचान नहीं पाई। हाँ नहीं, मैं शक्ल से तो पहचान गई हूँ, पर शायद मेरे को अभी बहुत अच्छा से मैं देख नहीं पा रही हूँ फोटो की। जी, जी कोई बात नहीं मैम। और मैम उसके बाद, क्योंकि थिएटर की अगर बात करें तो थिएटर को एक्टिंग की जड़ माना जाता है और थिएटर बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं ना मैम, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। अगर मैं थिएटर आर्टिस्ट की बात करूं तो आप जैसे पर्सनालिटी बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, और आज तो हमें आपसे भी सीखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आपका मुंबई की अगर बात करें तो आपने बैक टू बैक जो टीवी शोज किए हैं, बहुत हिट सीरियल्स और घर घर पहचान बनाई है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपकी दिल्ली टू मुंबई की जो जर्नी रही है वो, क्योंकि आई जी। थिंक आपने मार्गरीटा सीरियल किया था, आई थिंक जो आपका फर्स्ट सीरियल था। मैंने किया था। मैं जब जी मैंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, तो यहाँ आने के बाद ही मैंने पहले प्लेज ही किए। मुंबई आने के बाद भी मैं जया बच्चन जी के साथ, मतलब उस वक्त उन्होंने डेब्यू किया था थिएटर में, और माँ रिटायर होती है डॉक्टर मुक्ता, जो रमेश तलवार जी ने डायरेक्ट किया था, तो इसके हमने बहुत सारे शोज किए देश विदेश जाके। पहले मैंने आके थिएटर ही किया काफी साल तक, और फिर मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बम्बई जैसा शहर है, यहाँ रहने की दिक्कत, तो थिएटर में उस तरह से तो पैसा होता नहीं है।
कि आप सरवाइव कर सकूं, है ना। तो मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा मुझे कमाना भी पड़ेगा, तो मैंने अच्छे अच्छे शोज टेलीविजन के चूज कर करके वो करना शुरू किया। मारपीटा भी मेरे FTI की थी जिन्होंने बनाया था वो, तो वहां से फिर मैंने टेलीविजन की शुरुआत की और लगातार काफी सारे शोज, फिर शोज आते गए और मैं करती गई, शोज आते गए मैं करती गई, बीच में फिल्म आई, बीच में थिएटर किया, तो ये सिलसिला एक्टिंग का भगवान की दुआ से हमेशा चलता रहा, अभी भी चल रहा है जी और आशा करूंगी आगे भी करती रहूं। जी और क्योंकि जो आपका जुनून था मैम एक्टिंग के प्रति, और कहीं ना कहीं वो जुनून आपको इतना आगे, क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं तो मैं काफी टाइम से आपको फॉलो करती आ रही हूँ, आपके मैंने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं। पुनर्विवाह की बात करें जिसमें आपने शोभा दुबे जी का रोल किया था जो कि बहुत ही प्यारा रोल था, और उसके बाद एक बूंद इश्क, काफी सारे सीरियल्स किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मुंबई की बात करें तो पूरे वर्ल्ड से मुंबई में लोग आते हैं, और क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खुद को एस्टेब्लिश करना अगर मुंबई की बात करें, तो मैं जानना चाहूंगी आपको जब बैक टू बैक सीरियल्स मिले वो एक्सपीरियंस कैसा था, और आपके लिए जो दिल के करीब, जो वैसे तो सभी रोल दिल के करीब होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रोल जो आपके दिल के करीब हो मैम, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, एक्चुअली बैक टू बैक रोल्स मिलते रहे, शोज मिलते रहे, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शायद ये मेरी इच्छा भी थी कि मैं काम करती रहूँ। मुझे कभी भी, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ, मतलब लोग लंबा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मैं, मुझे बहुत उथल पुथल होने लगती है। ये 2 महीने भी बैठ गई ना तो मुझे लगता है अभी कुछ काम करना है, कुछ शुरू कर देते हैं। अगर ये टीवी शो नहीं शुरू हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो थिएटर का या अपना कुछ शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से मैं थोड़ी सी रेस्टलेस हूँ, है ना। तो कई बार मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम थोड़ा तो रेस्ट करो, मतलब लगातार करने की जरूरत नहीं है, टेक अ ब्रेक, पर वो हो नहीं पाता है मुझसे। और जहां तक कि रोल्स की बात करूं तो मतलब टेलीविजन में मुझे शुरू में जिस तरह से मैं दिखती थी, तो सॉफ्ट दिखती थी, तो मुझे बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिलते थे कि मतलब कोई सोच नहीं पाता था कि नेगेटिव ये कर पाएंगी या कर सूट करेगा इनको। तो मैंने, मुझे बहुत सारे समय तक पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिलते रहे। सबसे पहले तो मैंने कुंती किया था, पुनर्विवाह जैसे आपने बोला, इस तरह से के तमाम कैरेक्टर्स जो बहुत, एक बूंद इश्क का भी पॉजिटिव था, तो मैं ये करती रही। तो फिर मुझे ये एज एन एक्टर मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के परे जाके कुछ एक्सप्लोर करूं। तो जब भी मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर मिलता था, मैं हमेशा बोलती थी नहीं, मुझे दूसरे कैरेक्टर में भी ट्राई करो, एक बार लेके तो देखो। तो मैं ऑडिशंस पॉजिटिव का नहीं देती थी हमेशा, फिर मैं ग्रे शेड्स के जो होते थे उसके देने शुरू किया, तो मुझे मिल भी गया। उसके बाद फिर मुझे लगातार ग्रे 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 बहुत सारे लंबे समय, फिर मुझे कोई पॉजिटिव नहीं देता था। तो अब जी इस मुकाम, मुझे, मैं जो चूज करती हूँ मुझे मिल जाते हैं, उस तरह से नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो दोनों जगह पे अपनी एक छाप कह लो हो गई है। मतलब यस अब यस उसको, यस जहां तक आप बोल रही हो पसंदीदा कैरेक्टर्स का सवाल है, तो मुझे ऑफ कोर्स कुंती मेरा पहला शो था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। पुनर्विवाह चूंकि एक ऐसी सास का कैरेक्टर था जो अपने बहू के राइट्स के लिए लड़ती है, तो वो मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत पसंद था, और वो बहुत ही खूबसूरत लिखा गया था। मतलब उसका लिखाई इतनी अच्छी थी कि सिर्फ बोल भी दिया जाए फीलिंग के साथ, तो वो अच्छा सुनने में और देखने में अच्छा लगता, अच्छा सब्जेक्ट था, वो मुझे पसंद था। इसके बाद एक मेरा शो था डोली अरमानों की, जिसमें बड़ी जो मदर थी या सास थी, बड़ी विलन थी जी लेकिन बड़ी कॉमिक टाइमिंग के साथ, तो वो उसे करने में मुझे बहुत मजा आया। मतलब ये मैं टेलीविजन की बात कर रही हूँ, बाकी थिएटर में तो बहुत सारे हैं, ये 2-3 रोल्स। और कौन, मतलब वैसे तो एक्टर को सभी पसंद होते हैं, पर जो लंबा चलता है और पसंदीदा होता है वो ज्यादा आपके करीब हो जाता जी है, ये भी जी कैरेक्टर। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और कुंती की बात करें तो कुंती में आपने लीड रोल किया था जी और जी बहुत हाँ, ही ये प्यारा रोल था कुंती का। जी सच्ची कहानी थी, नॉवल बेस्ड था, किसी जी की कहानी, तो उसमें अनवेड मदर की कहानी थी वो, तो वो काफी चला था। बल्कि
वो जब बंद भी हुआ था तो कुछ कारणवश, मतलब उनको उसको नाश, तब तो डीडी ही हुआ करता था जब वो शोज आते थे, प्राइवेट चैनल आने शुरू ही हुए थे एनएन में, तो वो काफी बड़ा हिट था दूरदर्शन का। और उसे करने में मुझे, मैंने खुद भी बहुत सीखा, क्योंकि थिएटर के बाद फिर टीवी की बारी क्या कैसे होती है, थिएटर में थोड़ा सा बड़ा जाके हम करते हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग भी होगा, तो ये जी ध्यान में रखा कि बेंच के आखिर तक आपका मैसेज, आपकी एक्टिंग पहुंच पाए। तो टीवी में कैसे छोटी छोटी चीजें करनी है या फिल्म्स में, वो मैंने उससे सीखी उन्ती करते करने के दौरान। यस और बहुत ही प्यारा सीरियल था। अगर कुंती की बात करें तो उसके अलावा भी आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं मैम। अगर मैं बात करें तो आपको कैसे, जी एक दिन मैं बैठी थी, अपनी लिस्ट मैंने बनाई, तो कम से कम 20 तो मैंने लिख लिए थे जो मुझे याद है, 20 प्ले सीरियल्स तो मैं लिख चुकी थी, कितनी कर चुकी हूँ, जो कुछ जी 6 महीने, कोई 1 साल चले, कोई 2 साल चले, इस तरह से ना। तो हाँ, मतलब मुझे जी लगता है तो मैं भूल भी गई हूँ, काफी लंबी जी लिस्ट है मेरे। जी जी मैम। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी, शायद मैंने पहले भी बताई है, और जब आपने स्टार्टिंग में, जब मैं कुंती भी मैंने सीरियल देखे कुंती, और उसके बाद काफी शोज आए, लेकिन आपकी जो शक्ल है वो कैटरीना से मिलती है, आप टीवी इंडस्ट्री की कैटरीना हो। बाबा, मतलब ये तो मेरा दिन बन गया है क्या आज? चलिए, जी वो और बहुत ही हाँ प्यारी हो। और इसके अलावा मैम आपने मूवीज में भी काम किया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जोर लगा के, हईशा एंड व्हाट इज योर राशि, और एक आपने भोजपुरी मूवी की थी। जी आशुतोष ग्वारिकर जी की थी, व्हाट्स योर राशि। जी और हाँ, तो ये काफी साल हो गए हैं ऐसे भी तो। जी और भोजपुरी तो मैंने की थी, क्योंकि मेरे जो साथ काम करते थे सुरेंद्र पाल जी जी, वो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम भी मेरे, मतलब करो मेरी फिल्म में काम। उस दौरान मैं उनके साथ कर रही थी। हाँ, ये तो की जी है, काफी अब तो जी खैर वेब सीरीज और का भी टाइम, उस जी तरफ भी काम है, तो मैं अभी आने वाली है मेरी एक वेब सीरीज, जिसके बारे में आपको जल्दी ही पता चलेगा। यस और हम वेट करेंगे। और जैसे कि मैम आप मतलब काफी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हो, तो कितने चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में देखो चेंजेस, मतलब जब से कुंती वगैरह मैं कर रही हूँ, चेंजेस ये है कि सब्जेक्ट पहले ज्यादा मुझे पसंद आते थे, जो टीवी के सब्जेक्ट होते थे वो पहले बहुत अच्छे होते थे। अभी थोड़े से वो सास बहू और उस तरह से चीजें होने लगी हैं, तो मुझे लगता है टेलीविजन में सब्जेक्ट पे थोड़े से गिरावट आई है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छे सब्जेक्ट लेके आने चाहिए, और मतलब जो आप दर्शकों को परोसोगे वही खाएंगे, ऐसा है, तो उनपे एक काम होना चाहिए। बाकी अगर एक्टर के तौर पे आप मुझे पूछे हैं कि किस तरह की चीजें, किस तरह का बदलाव आया है, तो पहले जब शोज होते थे तो हम अलग अलग एक लोकेशन कहीं बंगलों में जाके शूट करते थे, आज यहाँ है आज वहाँ है शूटिंग, तो उस तरह से टेलीविजन बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है, और एक्टर्स के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो गया है कि आपका एक सेट होता है, आपका अपना मेकअप रूम होता है, आपके पास हर तरह की लग्जरी उस तरह से होती है, जो एक एक्टर के लिए को मिला मिलती है, बेसिक चीजें, रूम है साफ, एसी है, आपके मेकअप अच्छा है, ये सब चीजें जो पहले थोड़ी कम हुआ करती थी, कि हम एक ही रूम में सब बैठते थे, एक ही टॉयलेट होता था, उस तरह की चीजें होती थी, तो उस तरह उस तौर पे काफी चीजें, और डिसिप्लिन भी है, लेकिन हाँ अभी वर्किंग आवर्स काफी लंबे होते हैं, क्योंकि डेली सोप्स होते हैं, तो एक्टर उस तरह से थकता है, या 12 घंटे रोज शूटिंग कर रहे हैं 12 घंटे, तो वो सब बदलाव हैं जो अच्छे भी हैं कुछ, और कुछ थोड़े तकलीफ दे जी भी हैं। जी और मैम अगर एक्टिंग की बात करें तो वैसे एक्टिंग बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपको इतना टाइम, कई बार 12 12 आवर्स भी आपको शूट करना पड़ता है, तो हम कुछ आपसे एक्टिंग के टिप्स भी लेना चाहेंगे। तो जब आपका शुरुआत की अगर बात करें, तो जब आपको इतने टाइम तक, जैसे डेली सोप की बात करें तो डेली आपको शूट करना पड़ता है, तो किस तरह से मैनेज करते हो आप ये सब? हाँ, डेली सोप्स देखो, मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि टीवी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि टीवी बहुत चैलेंजिंग है,
फिल्म्स में फिर भी आपको स्क्रिप्ट पहले मिलती है, फिल्म्स और आजकल ओटीटी में भी। आपके दिन में एक सीन हुआ, उसमें भी बड़ा सीन है तो आधा ही हुआ, कल उसका बाकी हिस्सा होगा। टेलीविजन जो करना है वो अपने आप में चैलेंज है। आपका दिमागी तौर पे, मन की स्थिति आपकी और शरीर की स्थिति आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आप टीवी कर सकते हैं। क्योंकि हम जाते हैं, जैसे आपका मेकअप भी चल रहा है, आपका हेयर भी चल रहा है, आपके कॉस्ट्यूम के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उधर क्रिएटिव भी आपको अपना फीडबैक दे रहा है, ऊपर से इतनी मोटी आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है पूरे दिन की कि आज आपको 32 पेजेस शूट करने हैं। देखते हैं आप, इतने सारे डायलॉग्स हैं आपके, और क्यों, चूंकि हर दिन टेलीकास्ट होता है तो प्रेशर प्रोडक्शन पे भी बहुत रहता है कि उनको अपना टेलीकास्ट देना है, तो टाइम पे शूटिंग शुरू होनी जरूरी है। तो आपको ये दिमाग से जल्दी से याद करके आपको जाना है, परफॉर्म करना है, बिना बिना फंबल किए आपको बोलना है, और उसमें भी आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये एक चैलेंज भी आपके ऊपर रहता है। तो थोड़ा मुश्किल है टेलीविजन करना, तो आपको हर तरह से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है टीवी करने के लिए, और आप में दम, मानसिक दम तो बहुत जरूरी है टीवी करने के लिए, वरना आप नहीं कर सकते। मतलब अब जाके मैं थोड़ा सा थक भी जाती हूँ, मतलब मुझे, लेकिन फिर मेरा एक तो अभी आदत में है तो वो रवानगी है। दूसरा, हम बंबई में रहते हैं तो हमें ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। मतलब अगर किस्मत अच्छी है कि आपको सेट पास में मिल गया तो ठीक है, वरना दूर दूर भी जाना पड़ता है। दो दो तीन तीन घंटा आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर 12 घंटे आप शूटिंग कर रहे हैं, फिर आप वापस आ रहे हैं, अगले दिन फिर जा रहे हैं, और ये सालों साल ये सिलसिला चलता है, तो ये एक चैलेंज है। तो जो भी टेलीविजन की इंडस्ट्री में आना चाहता है उसके लिए मेरी यही सलाह है कि आपको हर तरह से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, और घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लंबे समय तक घर पर नहीं रहते हैं, तो घर में संभालने वाला और देखरेख करने वाला कोई हो तो ये संभव हो पाता है, वरना वहां आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप ये भी संभालो वो भी संभालो। तो उस तरह से जो आना चाहे इन सब चीजों को पुख्ता करके आए। बिल्कुल सही कहा है मैम, क्योंकि सभी आजकल स्टार बनना चाहते हैं, बट अगर हम एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही मुश्किल होती है एक्टिंग, क्योंकि स्क्रिप्ट याद करना और टाइम देना, एक्टिव रखना, खुद को एक्टिव रखना, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। और इसके अलावा मैम, थिएटर के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक थिएटर एक्टिविस्ट भी हो और आपने काफी थिएटर किया है और आप करते हो, तो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पे तो लाइव ऑडियंस होती है। हाँ, थिएटर तो खैर ये बोलो कि जो थिएटर से आता है वो उसका जी पहला प्यार, मतलब बहुत पसंद होता है थिएटर। तो थिएटर तो ये है कि हाँ, लाइव ऑडियंस होती है, लेकिन ये होता है कि आपको प्रिपरेशन का टाइम होता है। एक कैरेक्टर को आप अपने हिसाब से, अपने वक्त से बुनते हैं, और उसको एक, जैसे होता है ना, आप स्वेटर बुन रहे हैं, आपने एक उसको शेप दिया है, उसी तरह से एक एक्टर डायरेक्शन, डायरेक्टर की मदद से, राइटर की लाइंस के साथ अपना एक कैरेक्टर बुनता है अपने हिसाब से। अभी इतने साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए, आज भी जब मैं पहली बार ऑडियंस को फेस करती हूँ तो ऐसे दुख दुख होती है, मतलब डर लगा होता है, पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन स्टेज जो है वो मैजिकल होता है। एक बार आप वहां घुसे गए आप स्टेज पे और आपने परफॉर्मेंस शुरू की, तो वो कमाल होता है। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने वाली बात है, वो उसको शब्द में शायद बता भी नहीं पाए, जो जाता है स्टेज पे उसी को समझ में आता है। लेकिन हाँ, स्टेज का अपना डिसिप्लिन है, आपको उसमें अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, और स्टेज करना भी हर किसी के मतलब बूते का नहीं है, मुश्किल जी मुश्किल है। आपको भी उसमें भी आपकी बहुत तैयारी होनी बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है मैम, और थिएटर को तो वैसे एक्टिंग की जड़ माना गया है। जी जी, मैं तो यही कह रही हूँ, काम कोई भी जो भी आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं उसमें आपको मेहनत जी तो लगेगी। जैसे आप एक बर्तन धोना चाहते हैं, अगर अच्छे से धोना चाहते हैं जी तो आपको उस मेहनत करके उसको करना पड़ेगा। तो सेम अपने आप को मांझना है तो आपको कस के मांझना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बहुत जरूरी है। जी जी राइट मैम, और बहुत ही अच्छा मैसेज था। और मैम, आपने एक जो बालिका वधू, जो कि बहुत ही अच्छा सीरियल था, और उसमें भी आपने आई थिंक जमुना जी का रोल किया था, जमुना बसंती सिंह जी का। जी, वैसे तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल किए हैं, अगर किसी भी सीरियल की मैं अगर बात करूं, क्योंकि आपने जो सीरियल किए हैं, जो काफी हिट सीरियल थे, काफी टीआरपी वाले, आपने चाहे डोली अरमानों की बात करूं
मैम मैं जानना चाहूंगी आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा था, अगर आपको याद हो। चैलेंज डूली अरमानो की जी ही चैलेंज, वो इसलिए कि जो उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह की उसमें एक लहजा था बोलने का, थोड़ा बुंदेली और थोड़ा उस तरफ का, और मतलब वो थी विलन लेकिन थी मतलब कॉमेडी का एलिमेंट भी डालना है तो बहुत सारी लेयर्स थी उसमें करने के लिए, और वो मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल विपरीत है। तो वो शुरू शुरू में मैं गई थी तो मुझे थोड़ा मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, क्या रिफ्लेक्सेस होंगे उस कैरेक्टर के, तो उसको पकड़ने में थोड़ा सा मुझे समय लगा था। तो पर एक बार पकड़ में आया तो फिर वो ठीक हो गया था, पर ये कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बाकी जो पुनर्विवाह है उसमें उसको जी इंटरनलाइज करने वाला कैरेक्टर था, फील वाला कैरेक्टर था, तो वो था मतलब, लेकिन मैं कर पाई उसको, मुझे मतलब इमोशंस बताने में या कन्वे करने में उतना मुझे दिक्कत नहीं होती है। पर हाँ, अगर कॉमेडी और वो सब मिला जुला के करना है तो थोड़ा सा आपको वो टाइमिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो डोली अरमानों की मैं बोलूंगी कि हाँ, मेरे लिए चैलेंज। ओ और कुछ ऐसी मेमोरी अगर क्योंकि आपने मोहित मलिक जी के साथ भी काम किया है जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, उनकी मैं अगर बात करूं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, तो मैम किस तरह से आप सेट पे मस्तियां करते हो, कभी आपको टाइम मिलता होगा या नहीं? के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोहित और मैं मतलब डोली अरमानों में हम लोगों का ऐसा था कि हम दोनों के मैक्सिमम सीन्स होते थे, और जिस तरह का कैरेक्टर मेरा होता था और जिस तरह से वो मुझे डांटता था, मैं उसकी मदर बनी थी और वो मेरा बेटा जो कि माँ को हमेशा डांटता रहता है, और माँ भी ऐसी है कि हमेशा उसको मतलब उंगली करती रहती है, छेड़ती रहती है, उस तरह से परेशान करती रहती है, तो उस तरह के सीन्स लिख के आते थे कॉमेडी। तो अक्सर मोहित और मेरे साथ ये हो जाता था, हम जब परफॉर्म करते थे ना और सब लाइटमैन वगैरह थर्मोकोल वगैरह लेके बैठे होते थे और हम लोग परफॉर्म करना शुरू करते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि लाइटमैन ही बीच में हंसना शुरू कर देते थे या हमें ही हंसी आ जाती थी करते हुए, तो कई बार तो मतलब सीन रुक ही जाता था, डायरेक्टर हंसने लगते थे, तो उस तरह से हम लोगों ने उस शो में बहुत एंजॉय किया। फिर हम गुस्सा भी हो जाते थे सब लाइटमैन को ना कि आप लोग बीच में हंसते हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है क्या, लाइव परफॉर्मेंस है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हंसो मत, लेकिन फिर हमें ही हंसी आ जाती थी। तो उस तरह से उस शो में मैंने बहुत एंजॉय किया मोहित के साथ काम करना। जी ग्रेट मैम। और आजकल जैसे आपको पता है कि वेब सीरीज का ट्रेंड चल रहा है मैम, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे कंटेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी, तो आपकी क्या राय है ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें अगर? वेब सीरीज अच्छी बन रही है, नो डाउट, कुछ तो बहुत ही अच्छी हैं जो मैंने देखी है। अभी मेरी एक फ्रेंड है गुल्लक, बहुत अच्छी थी, या पहले मिर्जापुर, और वो सब फर्स्ट पार्ट मैंने देखा, और कई सारे वेब सीरीज देखी है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी वेब सीरीज की भी एक बहुत बहार, बहुत सारी वेब सीरीज आ गई हैं, इसमें एक्टर के लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत सारा काम करने को मिलेगा, बहुत सारे हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन फिर मेरे को ये लगता है जब ज्यादा कुछ होने लगता है ना तो उसमें क्वालिटी सफर करने लगती है, क्वांटिटी जब होने लगती है, तो मैं बस यही चाहूंगी कि क्वालिटी भी बनी रहे ओटीटी की, ऐसा ना हो कि वो भी जैसे टेलीविजन शोज का बीच में क्या भी हाल ऐसा हो जाता है ना राइट कि इतना सारा आ गया है, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, टीवी शो बन रहे हैं, इक्का दुक्का अच्छे बने, तो वो हाल ओटीटी का ना हो तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि क्वालिटी बनी रहे, सब्जेक्ट अच्छे आते रहे, बेशक थोड़े कम लेकिन अच्छे हैं। यस बिल्कुल सही कहा है मैम, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जी ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और मैम एक्टिंग की बात करें तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? देखिए, मैंने नाम पहले ही लिया है, जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूँ ऑब्वियसली वो मेरे जी पसंदीदा एक्टर है, मुझे वहीदा रहमान जी बहुत पसंद है, मीना कुमारी जी, इन लोग के काम में मतलब मैं बहुत जी एक्टिंग किया करता हूँ तो देख देख के, तो पुराने तो ज्यादातर लोग बहुत ही अच्छे हैं, आजकल भी बहुत अच्छे हैं, आलिया बहुत अच्छी है ना, ये नई जी जनरेशन जो है, ऋषि कपूर, जी रणवीर सिंह, सब लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं। जी जी यस।
और मैम, एक्टिंग के अलावा और क्या क्या हॉबीज है आपकी, और क्या क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली सच बोलूँ ना तो मैं बहुत बहुत घरेलू टाइप की हूँ, है ना। तो मुझे घर में रहना, अगर वाह, मेरा काम नहीं है ना, तो मैं फिर पूरे दिन घर में रहना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी उस तरह से कोई हॉबी मेरी रह नहीं गई है, क्योंकि टाइम इतना कम होता है कि मुझे लगता है कि अपने बच्चों को टाइम दो, अपने घर को टाइम दो। जी तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है मैं बच्चों के साथ स्पेंड करना, चाहे उसे हॉबी बोल दे लो, बोल दो या जो भी बोलो, तो वो मेरा जी पसंदीदा आज काम है कि मैं एक्टिंग के अलावा घर आते ही अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना चाहती हूँ अपने घर पे। ओ ओ सो क्यूट मैम। और सच में यही तो बहुत ही अच्छे मोमेंट्स होते हैं, अगर फैमिली को हम टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। जी जी, मैंने बोला आजकल कुकिंग में मुझे ये लगता है कि मेरा ये पूरा मकसद रहता है कि थोड़ा हेल्दी खाना खाना बनाऊं और अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाऊं। तो मेरा पत्ते वाली सब्जी और ये ग्रीन वेजिटेबल और ये वाला प्रोटीन और ये सब, इस सब में ही मैं आजकल लगी रहती हूँ कि अच्छा खाना ओ बना जी, के। हेल्दी खाना क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू सो मच मैम, और सभी ऑडियंस को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जो हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज पे जुड़े हैं, उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, एंड थैंक यू सो मच मैम। और जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? अच्छा, ऑडियंस को तो मैं यंगस्टर्स को जो अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, मैं बस उनसे यही कहना जी चाहूंगी। आज ही सुबह मैं ये बात बोल रही थी बच्चों के लिए, मैं सोच रही थी कि आपको जो भी जी कुछ करना है, आपको खेलना है, आपको कुछ बजाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, आपको डांस सीखना है, या आपको पढ़ाई करनी है, जो भी करनी है, बस उस पे आप डटे रहिए, उस पे मेहनत करते रहिए, उस चीज को पकड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि उस चीज को मैं सबसे बेहतर करूं, है ना। बेशक अगर आप खेल रहे हैं तो ऐसा खेलिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं खेले। आप म्यूजिक पे कर रहे हैं तो ऐसा रियाज कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि फिर आप बेस्ट बन सके, वो कोशिश कीजिए। और नहीं बेस्ट बने तो आप सेकेंड बेस्ट बनेंगे, लेकिन आप अच्छे बनेंगे, है ना। तो उस तरफ आप मेहनत करिए और रेस में रहिए, कभी ना कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलती है। अगर आपने मेहनत से काम किया है तो एक ना एक दिन वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे खटखटाएंगे, उस वक्त आपको तैयार रहना चाहिए पूरी तरीके से। तो वो कभी भी आ सकती है, 15 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, 50 साल में मिलेगी, आपको तैयार रहना है। तो वो मेहनत यंगस्टर्स के लिए बोलूंगी कि वो हमेशा बरकरार रहिए और पॉजिटिव रहिए, सोचिए कि होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और सच में हमें बहुत ही अच्छा लगा लगा और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट। थैंक माय प्लेजर, नमस्ते। यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए। तूफानों से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो सर्च करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।